हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री फिजिक्स एंड बायोलॉजी क्लासेस। आई एम अभिषेक शर्मा विद यू, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स। टुडे आई एम स्टार्टिंग द न्यू लेक्चर सीरीज ऑफ चैप्टर 2 फ्रॉम क्लास 12th, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। वी विल डिस्कस इट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर सब्सक्राइबिंग अवर चैनल एंड लाइकिंग एंड शेयरिंग अवर वीडियोज। आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो आपको जो भी हम आपको वीडियो कैसी लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ अच्छे कमेंट हमारे यूट्यूब पर करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। आपको उनमें कोई कमी लगती है, कोई डाउट होता है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो भी हमें बताइए, जिससे हम उसमें इम्प्रूव कर सकें। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 यूनिट 1 में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। चैप्टर 2 का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो पोटेंशियल वर्ड से आपको कुछ समझ में आता है? पोटेंशियल वर्ड को आप सुनते हैं तो आपको आई थिंक ये जनरली आपने बात करते सुना होगा कि इसमें बहुत पोटेंशियल है, ये बहुत अच्छा काम कर सकता है, इसका पोटेंशियल ज़्यादा है। तो पोटेंशियल का एक तरह का मतलब यही होता है कि काम करने में आदमी कितना कैपेबल है। अब इसे डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसे आपको पता है ये कॉन्टिन्यूशन वीडियो है चैप्टर 1 से। आप फिजिक्स में सारे चैप्टर इंटर रिलेटेड होते हैं, तो चैप्टर 1 को अगर आपने हमारे चैनल से पढ़ा है तो आपको ये वीडियो समझने में थोड़ी आसानी होगी। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आई विल सजेस्ट कि पहले आप चैप्टर 1 को स्टडी करिए, उसके बाद चैप्टर 2 पर आप फोकस करिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चैप्टर 1 में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि चार्ज अगर कोई होता है तो वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आप रखें, टेस्ट चार्ज कहें या कोई भी चार्ज अगर आप रखें, तो उस टेस्ट चार्ज पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स एग्जर्ट करता है, जो आपने पढ़ा था F इज इक्वल टू क्यू नॉट इन टू ई। तो ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ लिया था, इतना कॉन्सेप्ट। अब इससे आगे की बात करते हैं। जब किसी बॉडी पर अगर फोर्स एग्जर्ट होता है तो फोर्स क्या करता है, फोर्स विल मूव इट। जब आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो आप उसमें डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करते हैं, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दिस इज आप पढ़ते हैं, ये होता है वर्क। तो जब किसी बॉडी पर किसी चार्ज को किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, वो उसमें डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करता है, तो उसकी वजह से जो वर्क किया जाता है वो उस बॉडी में पोटेंशियल की फॉर्म में स्टोर होता है। ये हम इस चैप्टर में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे आपने ग्रेविटेशन पढ़ा है ना, अर्थ या अगर सरफेस ऑफ अर्थ है तो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग इसका अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड का पोटेंशियल होता है। अगर आपको इसे इस हाइट तक लेकर जाना है तो अलग वर्क करना होगा, इससे ज़्यादा हाइट तक लेकर जाना है तो ज़्यादा वर्क करना होगा, और हाइट पर लेकर जाना है तो ज़्यादा वर्क करना होगा। तो वो हम अब डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमने यहाँ पर लिखा है मोशन ऑफ यूनिट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, या कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये कोई ऐसा डेरिवेशन नहीं है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मोस्टली आपको जो स्कूल में भी या कहीं भी पढ़ाया जाता है वो स्टार्ट कर दिया जाता है कि पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन चार्ज। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है। एनसीईआरटी बुक में भी आपका जो ये फार्मूला है, यहाँ पर मैंने ड्राइव किया हुआ है, ये फार्मूला डायरेक्ट दे रखा है, लेकिन इसका यूज़ बहुत है। तो ये कहाँ से आता है वो आपको समझना जरूरी है, इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर चल रहा हूँ कि आप यूनिट चार्ज की मोशन को समझें, इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे मोशन करता है। हमने माना एक ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक चार्ज हमने यहाँ क्यू रखा हुआ है पॉइंट ओ पर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्रिएट हो रहा है। तो अगर आप कोई दूसरा टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पी पॉइंट से आर पॉइंट तक लेकर जाना चाहते हैं तो आपको इस पर लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना होगा। इस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, क्यू नॉट इंटू ई। ये तो इस पर फोर्स लग रहा है जो लग रहा है राइट साइड में, जो इस पर रिपेल करेगा क्योंकि आपने दोनों ही पॉजिटिव चार्ज लिए। आपको लेकर आना है इसे पी से आर की तरफ, तो आपको इतना ही नेगेटिव वर्क करना पड़ेगा। तो वो जो नेगेटिव वर्क होगा एफ एक्सटर्नल जो होगा दैट विल बी माइनस एफ। तो ये हो जाएगा वर्क इज पी टू आर एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर। एफ एक्सटर्नल की जगह आप माइनस एफ लिखेंगे, ये हो जाएगा माइनस क्यू नॉट इंटू ई, या माइनस क्यू नॉट इधर आ जाएगा। हमने यूनिट चार्ज के लिए बात करनी है तो क्यू नॉट हो जाएगा 1 कूलाम, तो क्यू नॉट को यहाँ से हटा देंगे, ये आ जाएगा माइनस पी टू आर ई इंटू डी आर। तो ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसका जो एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ है, कोई इसके एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं दिए, तो आपको ये समझना जरूरी है कि कहाँ से आता है। अगर हम पॉइंट पी को इन्फिनिटी पर ले लें और आर को कोई जनरल पॉइंट ले लें तो यही हो जाता है वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, यही पोटेंशियल बनता है, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। तो अभी इसमें हमने टॉपिक लिखा था कंजर्वेटिव नेचर। तो कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है आपको पता है? आई थिंक 11th क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड में
आप किसी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को, मान लिया ये सरफेस है, आप इसे इस हाइट तक लेकर जाना चाहते हैं, तो इस हाइट तक लेकर जाने के लिए आपके पास कई पाथ हो सकते हैं। आप डायरेक्टली ऐसे भी लेकर आ सकते हैं, आप इसे ऐसे घुमा के या ऐसे घुमा के या किसी और तरीके से घुमा कर भी इस पॉइंट तक लेकर आ सकते हैं। इन सभी जो प्रोसेस आप करेंगे, इन सब प्रोसेस में सेम वर्क करना होगा। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। अगर एक ऐसा फोर्स जिसकी वजह से जो मोशन हो रही है या जिसके अगेंस्ट जो मोशन हो रही है, उसमें अगर डिफरेंट पाथ पर भी बॉडी को मूव कराया जाता है, सेम वर्क अगर होता है, तो उसे हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो अ फोर्स इज सेट टू बी कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन ड्यू टू इट और इट और अगेंस्ट इट ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, नॉट ऑन द पाथ ऑफ द मोशन। केवल इनिशियल और फाइनल पोजिशन पर डिपेंड करे, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स में होता है या स्प्रिंग फोर्स में होता है, आप इसे देख सकते हैं। तो ये कंजर्वेटिव नेचर होता है। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, ये हम यहाँ पर बात करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक ओरिजिन पर एक चार्ज ले लिया प्लस क्यू, इससे ये एक सिस्टम, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। तो हमने दो फील्ड लाइन शो की हुई हैं, जो रेड लाइन से शो की हैं मैंने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो की हैं, जो ये स्ट्रेट लाइन है आप देख सकते हैं, ओ सी और ओ डी। एक पॉइंट ए लिया है मैंने, ए से इसे सी पर मूव कराना है, तो इसके मेरे पास दो पाथ हैं, ए से बी पर जाए फिर बी से सी पर जाए, ए से डी पर जाए फिर डी से सी पर जाए। तो क्या इन दोनों पाथ में अगर सेम वर्क होगा तो ये कंजर्वेटिव फोर्स होगा। तो हमने मान लिया ये 1 कूलम का चार्ज हमने ए पॉइंट पर रखा है, तो ए बी सी वर्क डन इन द पाथ ए बी सी दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन इन ए बी प्लस बी सी। अब ए बी पर वर्क निकालिए, अभी आपने वर्क का फॉर्मूला निकाला था, वो था ई डॉट डी आर। तो ये हो जाएगा, अगर ए बी का आप निकालेंगे तो ये होगा ई डी आर कॉस 90, क्योंकि यहाँ पर डी आर ये है और ई इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल 90 बनेगा, तो ये कॉस 90 जीरो होता है। तो ए बी में कोई वर्क आपको नहीं करना पड़ेगा। अब बी सी की बात करते हैं, तो ये आर बी से आर सी की डिस्टेंस हो जाएगी और ई डी आर कॉस जीरो, यहाँ पर एंगल जीरो बनेगा इनके बीच में। तो E की वैल्यू कितनी होगी, 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड, और Q अपॉन 4πε0 को बाहर ले लेते हैं, तो 1/r² का इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन आपको पता ही होगा कैसे करते हैं, x^n का इंटीग्रेशन होता है, x^n dx का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो आता है x^n+1/n+1। तो उससे करेंगे इसका r^-2 हो जाएगा, ये तो r^-2+1/-2+1 r^2 rc, माइनस बाहर आ जाएगा, -q/4πε0 r^-1 r^2 rc। तो ये जो डब्ल्यू ए बी सी है वो कितना हो जाएगा, -q/4πε0 1/rc - 1/rb। अब निकालते हैं ए डी सी। ए डी सी में अगर आप फिगर को एक बार देख लेना, फिगर में आप देखेंगे तो वहां पर ए डी प्लस डी सी आएगा। यहाँ पर डी सी जो पाथ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो उसमें वर्क डन जीरो हो जाएगा, बचेगा ए डी में। अगर सिमिलरली हम जैसे अभी उसके लिए इंटीग्रेशन करके निकाला था, तो सेम प्रोसेस से ही आएगा, -q/4πε0 1/rd - 1/ra। अब अगर आप फिगर को ध्यान से देखें तो उसमें आर ए डिस्टेंस आर सी के इक्वल है, सॉरी आर बी के इक्वल है, और आर सी डिस्टेंस आर डी के इक्वल है। तो आर डी की जगह आर सी रख सकते हैं, आर ए की जगह आर बी रख सकते हैं। तो 5 और 7 इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो दोनों सेम वर्क आते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, यहाँ से प्रूफ होता है। तो इस कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी का बहुत यूज करा जाता है, यानी पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। अब किसी भी पाथ से आप उसे इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पर लेकर आएं या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जाएं, वो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। ये इस बात का हमें बहुत यूज़ करना है। अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। नेगेटिव वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फाइनाइटी टू गिवन पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट। नेगेटिव वर्क डन ही होगा आपको उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा अगर आपको उसे वहां तक लेकर आना है। इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आने में जो वर्क कराया जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट। तो आपने इक्वेशन 4 में वो वर्क निकाला था, वो आया था -∞ to p किसी पॉइंट के लिए हम लें E into dr। तो यही तो हो जाएगा पोटेंशियल डेफिनेशन से, इसे ही हम कहेंगे VP।
अगर यहाँ पर ये क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ, अगर यूनिट नहीं होगा तो यहाँ क्यू नॉट आएगा और वो आप डिवाइड में ले जाएंगे, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट हो जाएगा। तो वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, यहीं पर ये डायरेक्टली पढ़ाया जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट आपके लिए इस लेवल पर ये है कि आपको ये पता हो दैट दिस इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी एक कहीं कहीं टर्म यूज होती है, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी आर माइनस इनफिनाइट टू पी। ये तो हमने एक पॉइंट के लिए बात करी है। तो अब थोड़ा पोटेंशियल को पढ़ लेते हैं, क्या है इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है। मैंने आपको इस चैप्टर वन में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के आपके पास तीन रिप्रेजेंटेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर रिप्रेजेंटेशन। तो ये वही है, ऐसा यूनिट है इसकी वोल्ट, क्योंकि वोल्ट ने इसे बताया था। अगर आप इस फॉर्मूले से इसकी यूनिट निकालेंगे डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट से, तो दैट विल बी जूल पर कूलम। समटाइम्स पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय फाई आल्सो, कुछ बुक्स में फाई से भी इसे डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। देखिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंट और बनाया हुआ है क्यू। अगर आपको इन्फाइनाइट से पी तक लेकर आना था तो वो पी का पोटेंशियल हुआ, आप इन्फाइनाइट से क्यू तक भी तो लेकर आ सकते थे, तो क्यू का भी वो पोटेंशियल आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं जैसे आपने पी का निकाला है। तो पहले इसकी पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पढ़िए। नेगेटिव वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने के लिए जो वर्क करना पड़ता है उसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो अगर पॉइंट क्यू के लिए आप देखें, सेम जैसे अभी मैंने बताया पी के लिए आपने निकाला था, तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनाइट टू क्यू ई इंटू डी आर, ये लिमिट्स होती हैं। तो अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है पी और क्यू के बीच में, तो आप क्या करेंगे, डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस वी पी माइनस वी क्यू, माइनस इन्फिनाइट टू पी ई डॉट डी आर, और माइनस जब यहाँ माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा इन्फिनाइट टू क्यू ई इंटू डी आर। तो ये इन्फिनाइट टू क्यू इसे पहले लिख लिया, इन्फिनाइट टू पी थोड़ा इंटरचेंज कर दिया इन्हें। अब ये आपको लिमिट्स में आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर आपको लिमिट्स ये चेंज करनी है, इंटरचेंज करनी है, तो यहाँ आपको माइनस लेना पड़ेगा। जब आप यहाँ माइनस लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो गया पी टू इन्फिनिटी डी आर। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि लिमिट्स की एक और प्रॉपर्टी है कि अगर ये दोनों लिमिट्स सेम होती हैं तो ये आप इन दोनों लिमिट्स को हटा देते हैं और डायरेक्ट ऐड कर देते हैं लिमिट्स को, तो ये हो जाएगा पी टू क्यू ई इंटू डी आर। और हमें क्या निकालना था, पी से क्यू का वर्क पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्यू से पी तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ेगा, तो हम इसे माइनस, अब फिर से इंटरचेंज करके लिख दिया, माइनस क्यू टू पी ई डॉट डी आर। तो नेगेटिव वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स। वन वोल्ट को अगर आपको डिफाइन करना है तो दोनों फार्मूले से कर सकते हैं, पोटेंशियल से भी कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस से भी कर सकते हैं। बात वही है, अगर आप चार्ज वन कूलम ले रहे हैं और उसमें वन जूल अगर वर्क किया जाएगा तो वी वन वोल्ट आएगा। सिंपल सा मतलब है कि अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, वन कूलम चार्ज को इन्फिनाइटी से किसी पॉइंट तक मूव करने में वन जूल वर्क किया जाता है, देन पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट इज सेट टू बी वन वोल्ट। तो आपको इसे याद कर लेना है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है एक नंबर में। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए जैसे आप इस ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, तो आप इस पर जो वर्क करते हैं वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जब आप इसे छोड़ते हैं तो ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। यही तो होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपने इसे मूव ऊपर मूव किया काइनेटिक एनर्जी में, आपने इसे मूव काइनेटिक एनर्जी दी जो स्टोर हो जाएगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। आप इसे छोड़ेंगे ये वर्क करेगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लॉस हो जाएगी। तो इसी तरीके से जब आप किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करा रहे हैं तो आप उस पर जो वर्क कर रहे हैं दैट विल स्टोर एज द इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज। उस चार्ज की, उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में वो स्टोर हो जाता है। तो वो हमें फाइंड करनी है कि वो कितनी होगी। हमने यहाँ पर एक चार्ज मान लिया जो पॉइंट ओ पर रखा है, आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है जहाँ हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है किसी चार्ज को लाकर। मान लिया हम यहाँ टेस्ट चार्ज Q0 लाना चाहते हैं, तो हमने Q0 को इन्फाइनाइट से यहाँ तक लेकर आना है। हमने बीच में दो पॉइंट मान लिए ए बी, जिनके बीच में एक बहुत स्मॉल डिस्टेंस है डी एक्स। ए की जो डिस्टेंस है ओ से वो एक्स डिस्टेंस है, तो स्मॉल वर्क डन अगर ए से बी तक। देखिए फिजिक्स में जब भी हम बात करते हैं तो स्मॉल वर्क से शुरू करते हैं, डायरेक्टली टोटल वर्क नहीं जाते हैं। आपने ये 11th में बहुत बार किया होगा, हम इंटीग्रेशन करते हैं फिर। तो स्मॉल वर्क डन इन मूविंग चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी दैट विल बी माइनस एफ इंटू डी एक्स।
तो ये हो जाएगा एफ डी एक्स कॉस जीरो, अगेंस्ट करेंगे इसलिए माइनस लेंगे, कॉस जीरो वन होता है तो ये हो जाएगा माइनस एफ डी एक्स। अब बात करते हैं टोटल वर्क डन इन मूविंग क्यू नॉट चार्ज फ्रॉम इन्फिनाइट टू पी। टोटल वर्क डन के लिए क्या करेंगे, आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे इन्फिनाइट से लेके आर तक, क्योंकि आपको इसे कहाँ लेकर आना है, पॉइंट पी पर, जिसकी डिस्टेंस कितनी है आर। तो इंटीग्रेशन हम करेंगे इसका इन्फिनाइट से आर तक, माइनस एफ डी एक्स। ये वैल्यू रखेंगे वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस क्यू क्यू नॉट फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन करेंगे सेम उसी तरीके से, ये सब बाहर ले लिया, एक्स पावर माइनस टू का ही होगा यहाँ पर, तो ये वन अपॉन एक्स आएगा। लिमिट्स आप रखेंगे वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी, वन अपॉन इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़े नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं तो वो जीरो हो जाएगा, तो ये बचेगा डब्ल्यू इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। यही वर्क स्टोर हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, तो यू हो जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। ठीक है, नेक्स्ट है पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी तो कम पूछा जाता है, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एक बहुत बार पूछा जाता है, तो इसमें आपको इक्वेशन 13 तक सेम वर्क करना है। अगर ये पूछा जाता है टॉपिक तो आपको ये पोटेंशियल एनर्जी में जो आपने किया है सेम यही करना है। अब इसके बाद क्या है, डेफिनेशन आपने अभी पोटेंशियल की पढ़ी थी, वो था वर्क अपॉन चार्ज, यानी यूनिट चार्ज को मूव करने में किया गया वर्क। तो ये तो आपने क्यू नॉट चार्ज को मूव करने में किया गया वर्क निकाल लिया इक्वेशन 13 में। अब आप इसे अगर क्यू नॉट से डिवाइड कर दें तो यूनिट चार्ज का वर्क आ जाएगा, तो क्यू नॉट से इसे डिवाइड कर देते हैं तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। तो ये पोटेंशियल होता है ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज। तो यहाँ से आपको क्लियर है कि जो वी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वन अपॉन आर के, यानी आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल होता है, वन अपॉन आर स्क्वायर के, यानी आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका ग्राफ भी आप स्टडी कर सकते हैं, ये ग्राफ आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, जो ब्लू लाइन से शो कर रहा है वो पोटेंशियल का वेरिएशन है, जो ब्लैक लाइन से शो कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है, वन अपॉन आर स्क्वायर है। तो इसकी वैल्यू ज़्यादा कम होती जाती है धीरे धीरे, और इसकी वैल्यू ये भी कम होती है लेकिन इसके कंपैरेटिवली थोड़ा कम होती है। तो कभी कभी ये आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में, या किसी तरीके से भी वेरी शॉर्ट में आपसे ग्राफ पूछा जा सकता है। तो ये हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इस तरह से हमने पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए फार्मूला निकाला। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस एंड काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल श्री फिजिक्स एंड बायोलॉजी क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।